सोमवार से 90 महिमान फिर भी मेरा भारत महान। देखो दाऊ बाबा आ रहे हैं और पीछे से ये कह रहे हैं कि भोले बाबा आए और नई रोशनी लाए। तो भैया सावन का महीना है, भोले बाबा का महीना है, तो दाऊ बाबा को है किसका महीना है? परसाने वाली का महीना नहीं है ये। जय श्री कृष्णा करता हूँ। जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है? रेवती मैया की जय भी बोलो पहले। बोलो रेवती मैया की जय। ये देखो। और जज साहब आप भी कछु बोल दें। आनंद आ रहे हैं। मौसम ऐसा हो रहा है। मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ा भीड़ भाड़ में जाके देखो, सब्जी मंडी में जाके देखो, ढगल कितनी आ गए हैं, आदमी बैठने से परेशान है। अरे इन अतिक्रमणकारियों ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। किसी ने अपने घर के आगे स्लैब बना ली है और किसी ने दुकान के आगे पट्टा लगा लिया है। अब बताओ 100 में से कितने बेईमान और फिर भी मेरा भारत महान। अब आप भी बोल दो कछु। क्या बोलने बताओ? कि हम जो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं आप बताएं कि हमने कहा 100 में से कितने बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। और 10 तो हैं इंसान, बस 10 ही बचे, उन्हीं पे बचो ये जहान। तो बोल दो ब्रज तत्व महान की जय हो, बंसीवारे की जय हो। और आज कुछ कहना चाहो तो कह दो। मैं तो यही कह रहा हूँ, मथुरा में इस वक्त देश विदेश से आदमी आए हुए हैं। मथुरा की नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जगह जगह गंदगियों के ढेर है, नाली उफान पर है। नगर निगम यहाँ से अगर ध्यान दे तो यहाँ से विदेश में संदेश जाएगा कि मथुरा में नगर निगम भी कोई साफ सफाई की व्यवस्था रखती है। वैसे इस वक्त देखा जाए मथुरा में जगह जगह पानी भर रहा है, परदेशी परेशान है, फिर भी ये लोग ठाकुर जी में आस्था रखते हुए पानी कीचड़ गंदगी में चले चले जा रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। और सबसे ज्यादा चौक में बंदरों की परेशानी है। एक चकना बंदर की परेशानी तो पूरे शहर की कहानी है। और अभी आपने नहीं जानी है कि हमारी कैसे बची ये जिंदगानी है मंगलवार को, पता है कि नहीं है आपको? बताओ आप शहर में रह रहे हो कहीं और रह रहे हो? शहर में रहते हैं। बंदर ने हमको धक्का दे दिया, हमारी जेब में एक उनके जलचरों के आटे और पक्षियों के दाने की थैलियां थी, आपको पता ही है। और बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर थे, उन्होंने जब छलांग हमारे कंधे पर लगाई थैलिया को झपटने के लिए, तो हम यमुना जी में उल्टे गिरे और पलटा खा के गहरे पानी में चले गए। और वहां पे बुजुर्ग कौन थे? पप्पू पंसारी, नक्कारची टीला वाले। उन्होंने हमको हाथ बढ़ाकर बचाया। अब आप बताओ, बुजुर्ग ने बचाया और वो भी डूबने लगे, और फिर एक और हाथ आया, तीसरे हाथ ने हाथ थमाया, तब चैन बनी, तब हम बचे। नहीं तो काट काट, नहीं तो काट काट। तो बंदरों की तो ये कहानी है। जमुना मैया की जय। जय हो, जय हो, जय हो। राजा धीराज की जय हो। बंदरों की कहानी बहुत जोर मार रही है भैया। जय हो।